हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी एक अलग लेवल पर चली जाएगी। मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बनते हैं, और ये ट्रिक उनके बहुत काम आई है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आज हम सीखेंगे कि रीडिंग यानी कि सिर्फ पढ़ने से आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हो। आप पढ़ने के लिए कुछ भी उठा सकते हो। तो मैंने आज के इस वीडियो के लिए संडे टाइम्स उठाया है, 12 फरवरी का। ये 12 फरवरी का संडे टाइम्स है, ये इसका डिजिटल वर्जन है, यानी कि ये एक ई पेपर है। आप नॉर्मल न्यूज़पेपर में से भी पैराग्राफ ले सकते हो और पेन या पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। ई पेपर अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। आज के इस वीडियो के लिए जो मैंने आर्टिकल चूज़ किया है वो है पेज नंबर 6 पर। हम पेज नंबर 6 पर जाते हैं क्योंकि इस आर्टिकल ने मेरा इमीडिएट अटेंशन अट्रैक्ट किया, और ये है वो आर्टिकल जो हाईलाइटेड है रेड में। एट ₹80 पर डजन प्राइस ऑफ बनानाज एट अ रिकॉर्ड हाई। मेरे ख्याल से इस आर्टिकल पर शायद किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर जानते हो, आप मार्केट जाते हो, तो जो केले हैं उनके भाव ऑलमोस्ट 100 रुपये पहुंचने वाले, पर ऐसा क्यों हुआ है, राइट? ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। मैं आपको क्विकली इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं। बनाना की शॉर्टेज चल रही है, केलों की शॉर्टेज चल रही है, पर वो क्यों चल रही है? क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे फार्मर्स ने केला उगाना बंद किया था, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था, और अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो डेफिनेटली वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। पर वो जो शॉर्टेज तब पैदा हुई वो आज तक चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी बढ़ चुकी है और लोकल कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ चुका है, और इसकी वजह से केलों की शॉर्टेज चल रही है और प्राइस जो है केलों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यही इस आर्टिकल में बताया गया है। फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को टाइप किया है आपके लिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद एग्जैक्टली आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। आफ्टर मिल्क एंड एग्स बनाना प्राइजेस हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स टू स्केल ₹80 पर डजन ड्यू टू शॉर्टेज कपल्ड विद एक्सपोर्ट डाइवर्जन। This past fortnight, rates spiraled from ₹50 to ₹60 per dozen to ₹80 in Borivali, Brichkandi, Matunga, Bandra West, Khar and Andheri West. Banana is the most commonly consumed fruit in the country. In Kandivali, Malad and Kulaba, rates have risen correspondingly from ₹50 to ₹60 to ₹60 to ₹70. The pricier Elaichi banana has been selling for ₹80 to ₹100 a dozen for months. Vendors say they purchase by the kilo, not dozen, and the price has risen steadily due to shortage of availability. A fruit seller at Four Bungalows Market, Andheri, who quoted ₹80, said, "We are sourcing banana for ₹32 to ₹42 per kg depending upon the quality and the size of the fruit. I paid ₹750 for an 18 kg crate, and since buyers here demand good quality fruit, we buy robust green bananas which come 7 or 8 to a kilo. So if I purchase 7 bananas for ₹42, I cannot sell less than ₹80 per dozen." Manoj Kailash Rao, a vendor in Shimpoli, Borivali, said, "Buyers fight over the increase and we often give at cost price as banana is perishable." Kaafi interesting article hai. Price badh rahi hai, us bare mein baat chal rahi hai. Ab hum kya karenge? Hum is article ko scan karenge. वे है हमारा स्टेप नंबर 1। पर स्कैनिंग किस चीज की करेंगे? हम स्कैनिंग करेंगे कुछ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स की जो समझने में मुश्किल है, और उनका मतलब ढूंढेंगे। तो ये है सारे वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपके लिए, जो येलो में मार्क्ड है, हाईलाइटेड है। आप इनका मीनिंग गूगल से भी ढूंढ सकते हो।
राइट तो चलिए वन बाय वन इन सारे वर्ड्स का मतलब समझते हैं. सबसे पहला है कपल्ड विथ. कपल्ड विथ एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश का और जिसका मतलब होता है टू थिंग्स दैट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप दैट अफेक्ट्स बोथ ऑफ देम. जैसे मैंने पहले बताया कि बनाना की जो प्रोडक्शन है केले की प्रोडक्शन कम हुई है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें क्या हुई, एक साथ कपल्ड हो गई, राइट. और एक का असर दूसरे पर हो रहा है, इसी का मतलब होता है टू कपल विथ. और यहां पर यूज हुआ है ईडी के साथ. क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, जनरली आर्टिकल्स रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं. नेक्स्ट है स्पाइरल्ड. स्पाइरल्ड ये एक वर्ब है और स्पाइरल इसका बेस फॉर्म है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन दैट इज रैपिडली गेटिंग वर्स. मतलब कोई एक सिचुएशन जो लगातार बिगड़ते जा रही है. जैसे कोई अपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को दबाओ और छोड़ दो क्या होता है, ऊपर उठती है. कोई एक सिचुएशन एक स्प्रिंग की तरह बिगड़ती जा रही है. रिजन करस्पॉन्डिंगली ये एक कॉलोकेशन है इंग्लिश का जिसका मतलब है समथिंग हैज इंक्रीज्ड इन अ रिलेटेड मैनर. और यहां पर रिलेशन क्या है, प्रोडक्शन कम है इसलिए प्राइस बड़ी है. कोई चीज जो एक दूसरे से जुड़ी है और क्योंकि ये हुआ इसीलिए ये हो रहा है, इट इज रिजन करस्पॉन्डिंगली. रिजन स्टेडिली ये भी एक कॉलोकेशन है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम. स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ही जाना, जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं, राइट. हर साल बढ़ते ही जाते हैं, रिजन स्टेडिली. नेक्स्ट है सोर्सिंग. सोर्सिंग एक वर्ब है और यहां पर एक आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है. सोर्सिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर नीडेड. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो मुझे क्या चीज की जरूरत है, एक माइक्रोफोन की जरूरत है, मुझे एक कैमरे की जरूरत है, राइट. मुझे कंप्यूटर की जरूरत है और इन सब चीजों को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेंडर को ढूंढूंगा, उसे सोर्स करूंगा. इसी का मतलब होता है सोर्सिंग. कौन सी चीज कहां मिलेगी इसका पता लगाऊंगा, उसे कहते हैं सोर्सिंग. नेक्स्ट है रोबस्ट. रोबस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. कोई चीज जो टिकाऊ है उसे आप कहोगे रोबस्ट. पेरिशेबल. पेरिशेबल भी एक एडजेक्टिव है और ये हम जनरली फूड आइटम्स से रिलेटेड यूज करते हैं ये बताने के लिए कि प्रोडक्ट्स दैट हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ. जैसे दूध है, क्या आप दूध 20-25 दिन रख सकते हो, नहीं रख सकते हो. कोई खाना आप रख सकते हो, सब्जियां रख सकते हो महीने महीने भर, नहीं रख सकते हो, वो सड़ जाती है. इसी का मतलब होता है दे आर पेरिशेबल. तो देखा आपने इस एक आर्टिकल से, सिर्फ 125 से 150 वर्ड्स के एक आर्टिकल से हमने कितने ब्यूटीफुल इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कितनी सारी वोकैबुलरी सीखी है. अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप टू की तरफ जो है प्रोनंसिएशन. इस आर्टिकल में काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको लगे बहुत आसान है प्रोनाउंस करना, पर इनमें अक्सर गलती होती है. तो मैंने अगेन कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं जो ब्लू है, जो ब्लू में है. उन सारे वर्ड्स की हम प्रोनंसिएशन सीखेंगे, राइट. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं, आपको देखकर लगेगा इनमें क्या है, ये तो बहुत आसान वर्ड्स है. आप देखिए क्या आपकी प्रोनंसिएशन सही है. तो सबसे पहला है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड एंड नॉट रेकर्ड, क्योंकि यहां पर ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है इसीलिए हम कह रहे हैं रिकॉर्ड. अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो आप कहोगे रेकर्ड. नेक्स्ट है शॉर्टेज. शॉर्टेज एंड नॉट टेज. शॉर्टेज नहीं कहते हम, शॉर्टेज. शॉर्टेज. स्पाइरल्ड. 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 प्राइजियर. 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 यहां पे जो एस है इसकी प्रोनंसिएशन ज की तरह आती है, प्राइजियर. हम एंड में आर प्रोनाउंस नहीं करते, प्राइजियर. इसे क्या कहेंगे, परचेस. शायद आज तक आप परचेस ही कहते आए हो, इसकी प्रोनंसिएशन है परचेस. परचेस. हम आर अगेन प्रोनाउंस नहीं करते, ये है परचेस. परचेस. नेक्स्ट है राइजन. अगर आपने, जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था
risen and not risen, risen. Steadily. और इसे क्या कहेंगे? Next, availability. दोस्तों इसकी pronunciation है availability, not availability. Right? 6-syllable word है, काफी बड़ा word है. Availability. Say it with me. Availability. Robust. यानी कि टिकाऊ, robust. इसे क्या कहेंगे? Quality नहीं होता है, ये है quality. Say it with me. Quality. Last है perishable. अगेन हम पेरी नहीं कहते, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड यहां पर आर है तो हम उसे री कहने की कोशिश करते हैं, पर ये है perishable एंड नॉट perishable. Perishable. क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन सही थी? कितने वर्ड्स थे जो आपने आज तक गलत प्रोनाउंस किए हैं? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना ये बात. और अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, राइट, जो है फास्ट रीडिंग. क्योंकि आपने मतलब समझा, प्रोनंसिएशन समझी, और अभी आपका काम है इस आर्टिकल को फास्ट पढ़ना. सिर्फ एक बार ही नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार. जब तक आप इसे बहुत ही फ्लुएंटली नहीं बोल पाओ, तब तक आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है, राइट. मैं इसे पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए और फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए. After milk and eggs, banana prices have broken all records and scaled rupees 80 per dozen due to shortage coupled with export diversion. This past fortnight, rates spiraled from rupees 50 to 60 per dozen to rupees 80 in Borivali, Brijkandi, Matunga, Bandra West, Khar and Andheri West. Banana is the most commonly consumed fruit in the country. In Kandivali, Malad and Kulaba, rates have risen correspondingly from rupees 50 to 60 to 60 to 70. The pricier Elaichi banana has been selling for rupees 80 to 100 a dozen for months. Vendors say they purchase by the kilo, not dozen, and the price has risen steadily due to shortage of availability. A fruit seller at Four Bungalows Market, Andheri, who quoted rupees 80, said, "We are sourcing banana for rupees 32 to 42 per kg, depending upon the quality and the size of the fruit. I paid rupees 750 for an 18 kg crate. And since buyers here demand good quality fruit, we buy robust green bananas which come 7 or 8 to a kilo. So if I purchase 7 bananas for rupees 42, I cannot sell for less than rupees 80 per dozen." Manoj Kailash Rao, a vendor in Shimpoli, Borivali, said, "Buyers fight over the increase and we often give at cost price as banana is perishable." अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जिस तरह से मैंने पढ़ा उस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए. हो सकता है कि आप बीच में अटक जाओ. अगर आप अटकोगे बीच में तो उसे शुरू से पढ़ना शुरू करो, तब तक जब तक आप इसे फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाओ. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेसन में आपने रीडिंग सही तरीके से कैसे करनी है ये सीखा है, और इस ट्रिक को आप जरूर अप्लाई करोगे और रोज इस ट्रिक के साथ न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल में से पैराग्राफ उठा के प्रैक्टिस करोगे. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.